नमस्कार दोस्तों, मून चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिया पुल हाउसिंग फाइनेंस, जिन्होंने अनाउंस किया है अपना डिविडेंड एंड उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कई अनाउंसमेंट किया। सो उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें, ओके। एंड बिफोर दैट, कंपनी का कहां चार्ट पैटर्न में कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ इंडिया पुल एंड ये आपका वीकली चार्ट है, ओके। सो दिस इज वीकली चार्ट ऑफ इंडिया पुल हाउसिंग फाइनेंस, और यहां पर इसके लिए रेजिस्टेंस जो है दैट इज क्लोज टू अराउंड 1 रुपीज 50 पैसा, 142 रुपीज का इसका रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट, उसका दूसरा रेसिस्टेंस अगर इसको क्रॉस करती है, वीकली कैंडल क्लोज होता है इस जगह पे इस तरीके से, तो इसके लिए दूसरा रेसिस्टेंस होगा दैट इज क्लोज ऑन 161 रुपीज, 160 रुपए 50 पैसे 61 रुपए इसके लिए रेसिस्टेंस होगा। और अगर उसको ब्रेक करती है तो काफी बड़ा ऊपर की मूव देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज, ओके। सपोर्ट इसके लिए है दैट इज क्लोज टू अराउंड 118 रुपए 50 पैसा, 118 रुपए 50 पैसा सपोर्ट है। चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज इज इन द बुल्स बुलिश साइड एंड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज आल्सो इन द बुलिश साइड। सो चार्ट पैटर्न में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी चेक करते हैं कंपनी ने क्या अनाउंस किया है। ओके, सो दिस इज द अनाउंसमेंट मेड बाय द कंपनी। आज उनकी मीटिंग हुई थी, देख सकते हैं डेट 20th जुलाई, और इस मीटिंग में उन्होंने हैज अप्रूव्ड द पॉलिंग। तो इन सभी चीजों का इन्होंने अप्रूवल दिया है। सो फर्स्ट चीज क्या था रिगार्डिंग द रेजिंग ऑफ फंड। रेजिंग ऑफ फंड तो कितना फंड है, 35,000 करोड़, और वो रेज करना चाहते हैं वाया वाया इश्यूएंस ऑफ सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल सबॉर्डिनेट डेट इन द नेचर ऑफ डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के थ्रू वो करना चाहते हैं, ओके। दूसरा चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाज रिगार्डिंग द फाइनल डिविडेंड। सो द बोर्ड हैज रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज 25 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे का उन्होंने पर इक्विटी शेयर्स अनाउंस किया है डिविडेंड, जो कि परसेंटेज टर्म में 62.5% आता है। और कंपनी गेट बैक्स ऑन द पाथ, क्यों क्यों अनाउंसमेंट किया उसके पीछे रीजन उन्होंने दिया है दैट कंपनी गेट बैक्स ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, जो कि पॉजिटिव है। द बोर्ड हैज रिज्यूम पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। द कंपनी इज ऑल्सो वेरी वेल कैपिटलाइज्ड विद कैपिटल एडिक्वेसी एक्सेस ऑफ 23% ऑन स्टैंड अलोन बेसिस एंड 31% ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस एज एट द एंड ऑफ मार्च 2023। तो इस कारण से क्या है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में लौट रही है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए कंपनी ने इन्वेस्टर्स को भी खुश रखने के लिए 1 रुपीज 25 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको मिलेंगे 1 रुपए 25 पैसे, ओके, और जितना शेयर आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजीव गुप्ता, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC HFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। सो ये इन सभी चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, ब्रीफ प्रोफाइल दिया हुआ है राजीव गुप्ता का, आप इसको रीड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। चार्ट भी पॉजिटिव है और आपको बिना स्टॉप से कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है, इसलिए बिना स्टॉप से कोई ट्रेड नहीं कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग डिविडेंड पार्ट, ओके, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है और क्या है रेजिंग ऑफ फंड के बारे में मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलोक रसानी, थैंक यू।